नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ कनिका यादव। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के फैसले पर कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर सुभाष चौक पर कांग्रेसियों ने मिष्ठान वितरित किया और जमकर आतिबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ममता हालदार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाना लोकतंत्र की जीत है और कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से विपक्ष बौखला गए हैं और इसका जवाब विपक्षियों को लोकसभा के चुनाव में जनता देने को तैयार है। सजा से 2 साल जो उनको सजा मिली है, उससे आज सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है। इसी खुशी में हम लोग यहाँ मिष्ठान, पूरे कांग्रेस जाएगी भारी भीड़ के साथ हम लोग यहाँ मिष्ठान वितरण कर रहे हैं। जो आज पूरे भारतवर्ष में ये खुशी का लहर है, जो 2 साल की इनकी जो सजा मिली है माननीय मोदी सरनेम को लेकर, जो 2 साल की सदस्यता गुम हुई थी। तो दूसरी बात, उनको उनके जो आवास से भी उनको निकाला गया था, तो वो जो सजा गुजरात में जो उनको सजा हाई सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उनको सजा वहाँ रखा था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है और राहुल गांधी को सजा से बरी किया है। इसी खुशी में हम लोग सब उतर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और राहुल गांधी को दोबारा संसद में जाने का मौका मिला है। और इससे मोदी और शाह और बीजेपी वाले जुड़े हुए हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो लोग, उनका यही मंशा था कि राहुल गांधी को सजा 2 साल होनी चाहिए और 2 साल की सजा से अगर एक दिन सजा भी कम होते तो राहुल गांधी आज इस परिस्थिति में नहीं होते। लेकिन उनको सजा कराना था, ये बीजेपी की चाल थी, मोदी जी की चाल थी, अमित शाह जी का चाल थे, जो राहुल गांधी को ये सजा दिलवाई गई है गुजरात से। और जो दिनेश मोदी है, वो जो गुजरात के विधायक है, कांग्रेस बीजेपी के विधायक है, उन्हीं के द्वारा केस किया गया, जो ऐसा होता नहीं है। कर्नाटक में उनका भाषण हुआ था, उसमें मोदी सरनेम जो उन्होंने कहा था, वो सरनेम सारे मोदियों के लिए नहीं किया गया था, जो मोदी यहाँ से देश से भागे गए हैं उन्हीं के लिए राजपुरम ने कहा था। और वो सारे मोदी के ऊपर, ये उनके जाल के वजह से राहुल गांधी फंसे थे। लेकिन ऊपर वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं हम, जो न्याय का साथ न्याय दिया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।